यूपी के चंदौली लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार मौर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे नेताजी पिस्टल लेकर पहुंचे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सत्येंद्र कुमार मौर्य की जेब में पिस्टल दिखाई दे रही है। दरअसल हुआ यूं कि नामांकन करने पहुंचे सत्येंद्र कुमार मौर्य को जब पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो उनके पास पिस्टल मिली। आनन फानन में बसपा नेता ने कमर से पिस्टल निकाला तो वो जमीन पर गिर गई। चंदौली के एडिशनल एसपी ने बताया कि बसपा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे, इस दौरान पुलिस जांच में उनके पास लाइसेंसी पिस्टल मिली है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन के दौरान आज एक दल विशेष के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे, वो अपने साथ लाइसेंसी पिस्टल कैरी कर रहे थे। नामांकन स्थल से 200 मीटर की दूरी पे, जहां हमने डीएफएमडी और चेकिंग फ्रेसिंग की टीम लगा रखा था, इन लोगों ने सतर्कता पूर्वक चेक किया तो उनके पास लाइसेंसी पिस्टल मिली। जब उसका हमने लाइसेंस चेक कराया और असलाह नंबर से मिलान किया गया तो उनकी लाइसेंसी पिस्टल सही है, मतलब उसका लाइसेंस इशू हुआ है, और उनको हम लोगों ने हिदायत दे के उनका असलाह उनके पक्ष में रिलीज कर दिया है कि इसको आदर्श आचार संहिता के दौरान आप कैरी नहीं करेंगे। वायरल होने के बाद बसपा नेता सत्येंद्र कुमार मौर्य ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये उनकी लाइसेंसी पिस्टल है जो वो जल्दबाजी में ले आए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पार्टी और प्रशासन इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। भारत 24 डिजिटल डेस्क।